करेगा। बहुत सारे युवा इस समय इधर उधर हो रहे हो, जो वो इसका कारण यही है कि आपको मुझे पे ताव देकर के और चार बार गमछा इधर उधर करके और बस ग्रेड चमार और ग्रेड धोबी और ग्रेड पासी में जिंदगी भर इसी धोबी पासी में उलझे रहना। और देखिएगा बहुत सारे युवा इस समय इधर उधर हो रहे हो, जो वो इसका कारण यही है कि आपको मुझे पे ताव देकर के और चार बार गमछा इधर उधर करके और बस ग्रेड चमार और ग्रेड धोबी और ग्रेड पासी में जिंदगी भर इसी धोबी पासी में उलझे रहना। और फिर बिया जा करके चमैनिये से करना, धुबिये पसीने से करना, ठीक है ना। और जिंदगी भर यही करते रहना, इसके अलावा कुछ करना नहीं। तो ये ध्यान रखो कि हमारा संघर्ष किसके खिलाफ है, हमारा संघर्ष उस मनुवादी सत्ता के खिलाफ है और अपने आप को सत्ता में लाने के लिए है। हमें अभी उस नक्सलिज्म मूवमेंट की तरफ नहीं जाना है। हमें बाबा साहब ने संविधान दिया है, शासन सत्ता में भागीदारी का जो मौका दे रहे हैं बाबा साहब, देख गए हैं उस मौके को। सबसे पहली जो नींव होती है उस मौके को लेने की, वो है पढ़ाई। तो शिक्षित बनिए, और इस शिक्षित में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जिसकी मैं प्रोफेसर हूँ, जिसका मैं कभी प्रयोग नहीं करती अपने सार्वजनिक मंचों पे। बच्चे एकदम चुप मार जाते हैं, उसके पहले तो मैडम जी हमने ये पूछा चाहिए, हम मैडम जी ये बता दीजिए, मैडम जी वो बता दीजिए। तो कुछ दिन तो कुछ देर तक तो उनका मानव भाव लेते हैं, लेकिन जब हमें समझ में आता है कि अब ये काबू में नहीं होने वाले, तो फिर हम अपने विषय पे आ जाते हैं। और जैसे विषय पे आते हैं तो आपको पता नहीं किससे डर लगता है, लेकिन आमतौर पर बच्चों को अंग्रेजी और मैथ से ही डर लगता है। तो अंग्रेजी हम पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी आप भी पढ़ेंगे अगर, एक जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अंग्रेजी भाषा, क्योंकि इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतवर्ष में लॉर्ड मैकाले ने जो इतनी बड़ी क्रांति करी अंग्रेजी भाषा को यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस करके, उसका अवसर का लाभ सबसे ज्यादा अगर किसी ने उठाया तो वो ब्राह्मणों ने उठाया। आपको तो कहा कि मत पढ़ो, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाया। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आजादी के पहले जो आईएएस की परीक्षा होती थी उसको आईसीएस बोला जाता था, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस बोलते थे उसको। आईसीएस का एग्जाम जो होता था वो उसमें जो पहले 18 आईसीएस इंडियंस चुने गए थे उसमें से 16 ब्राह्मण थे, और वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा के जानने की वजह से थे। ये सरकारी आंकड़ा है, मेरा अपना बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है। इसलिए बच्चों अंग्रेजी पढ़िए, दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि मानसिक रूप से, और वो बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, शारीरिक रूप से और वैचारिक रूप से एकदम फिट रहिए। सुबह उठ करके थोड़ा जल्दी, देर रात तक गर्लफ्रेंड से बतियाओगे तो सुबह क्या खा नहीं पाओगे, रात भर बाबू सोना बच्चा यही करती रहती है। और फिर सुबह तो अपना वो भी करेगी, और तुम्हारा तो करियर चौपट करके निकल लेगी ना फिर। हाँ, मेरा बाबू मेरा सोना ये सब खूब गाना भी खूब चल रहा है, पांडे जी का बेटा हूँ, ठीक है ना, सब सुनते हैं बेटा। पूर्वांचल में आने के बाद और कर क्या, यही रिसर्च चल रहा है। संयोग से मेरा सब्जेक्ट अंग्रेजी में था, सोशियोलॉजी या सोशल वर्क होता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है। अभी भी हम बहुत सारा रिसर्च कर ही रहे हैं कि क्या क्या करते हो तुम लोग रात रात में झक झक करके, हमारे घर में भी बहुत सारे बच्चे। तो बाबू सोना बच्चा चक्कर नहीं हो, जिंदगी भर बाबू तो तुम बने रहे हो, तुमको पता भी है कि तुम बाबू नहीं हो, वो एक नंबर के आरामी, ठीक है, तुम भी बने रहते हो उसके सामने सोना बच्चा। तो ये थोड़ा सा जो है ना टाइम पास वाला जो आपका जो समय चल रहा है, करिए टाइम पास, हम मना नहीं कर रहे हैं, जो दौर है जिस तरीके का चल रहा है चलिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज अपनी पढ़ाई से मत कीजिए। मानसिक शारीरिक और वैचारिक रूप से विचारों से लैस रहिए। अगर आप शारीरिक रूप से भी सक्षम हैं तो भी आपका ये मनुवादी लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और वैचारिक रूप से लैस होने के लिए इस टाइप के आयोजन और अपने महापुरुषों की जो जीवनी है उनके बारे में, महापुरुषों के जीवन के बारे में जानिए। और एक चीज़ और, जो नौकरी पेशा लोग जो वकील लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाबा साहब ने संदेश दिया था कि बच्चों आप लोग पढ़ो लिखो और पढ़ लिख करके डीएम ऑफिसर कलेक्टर तो हर लोग बनने का सपना देखते हो, लेकिन समस्या की जड़ में है कि आप जज नहीं हो, तो जज बनो। वकील तो बहुत सारे बैठे हैं, आप जज की कुर्सी पे कब्जा करो, जज बनो। क्योंकि इसी इलाहाबाद का मैं इंसिडेंट आपको बता के अपनी बात खत्म करूंगी। इसी इलाहाबाद में भी विश्वविद्यालय के खिलाफ बहुत सारा केस लड़ते लड़ते एक जज साहब ने जो मुझे कहा वो मेरी कानों में वो शीशा पिघला करके डालने के बराबर ही था। उन्होंने जो बात बोली थी उस बात से मुझे इतना सबक मिला, मेरे यहाँ जीजा जी भी बैठे हुए हैं वो इस बात के गवाह हैं कि कोर्ट से निकल करके हम एकदम फूट फूट करके रोए कि एक जज की इतनी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की। मैं पढ़ लिख करके नेट क्वालिफाई करी हूँ, PhD करी हूँ, और वहाँ खड़ी हूँ, खड़े होकर मैं इन पर्सन फाइट कर रही हूँ, इन पर्सन मैं केस फाइट कर रही हूँ।
रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बाहर बोल नहीं सकते, तो वहाँ से दुखी होकर के आए और यहीं LIC में जो LIC बिल्डिंग है उसके बाहर एक नीम का पेड़ है, वहाँ चाय पीते हुए रोते हुए पति से अपने यही बात बोलने लगे कि यार ये लड़ाई कुछ और कुछ किसी और चीज़ की है, ये लड़ाई कोर्ट से लड़ने वाली नहीं है, ये लड़ाई कोर्ट से लड़ने वाली नहीं है, इस समस्या की जड़ में कुछ और है। और उस दिन ये समझ में आया कि समस्या की जड़ कहाँ थी। घर गए, साहब कांशीराम की चमचाई पुस्तक खरीदी क्या, और खरीद के पहले से रखी थी लेकिन पढ़े नहीं थे, और फिर उस कांशीराम साहब की एकमात्र लिखी हुई पुस्तक चमचायुग को एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक हफ्ते के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे BHU में केवल नौकरी करनी है, नौकरी के बाद मुझे कोई कोर्ट केस नहीं करना है, मुझे इस समस्या की जड़ में जाना है। और वो जड़ वही था जो अभी सुभाष नाम साहब अभी बताएंगे भी, और मैं उसको साहब को मैं विनती करती हूँ जो आपने मुझसे कहा वो आप जरूर बोलिएगा, लेकिन मैं उसको जो साहब कांशीराम ने उसको दूसरे रूप में कहा कि इन चमचों की वजह से आज हमारे समाज की ऐसी गति हुई है, तो चमचा युग की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं बच्चों, चमचा नहीं बनना, किसी का पिछलग्गू नहीं बनना है, उस चमचा युग की पुस्तक को पढ़ करके हमने अपने जीवन में परिवर्तन लाया और हम गाँव लोगों के बीच में जा करके वैसे ही साहब कांशीराम की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आपकी शिक्षा का सही मायने में उपयोग तब है, जितने शिक्षित लोग यहाँ बैठे हैं, नौकरी पेशा लोग बैठे हो, अपने पैसे तो आप देते नहीं हो, हमने तो यह तय कर लिया, हम दोनों पति पति देखे पतिदेव ऊपर आ गए हमारे, हम दोनों ने तय किया कि हम पूरी जिंदगी सर कोई संपत्ति नहीं रखेंगे, कोई घर द्वार मकान कुछ अपने नाम पर हम नहीं बनाएंगे, हमारा जो भी पैसा है ये हमारा पैसा तो है नहीं, ये तो बाबा साहब की देन है, तो जो बाबा साहब की देन है वो पैसा हम घर में कैसे लगा सकते हैं, अपने अपने ऊपर कैसे खर्चा कर सकते हैं, तो हम अपना पूरा पैसा समाज में खर्चा करते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप अगर पैसा नहीं खर्चा कर रहे हो तो यहीं बैठे बैठे बुढ़ा जाओ, सूती रगड़ते, बीड़ी थूकते और बीड़ी को गाली देते, उससे पैर पुजवाते, इसमें खाली बुढ़ापा आ जाएगा, मर जाओगे एक दिन, कुछ कोई नाम लेवा रहे नहीं जाएगा, इससे बेहतर है कि कम से कम अपने गांव देहात में निकल करके दो चार छः दस लोगों को बाबा साहब और अपने महापुरुषों की विचारधारा से जोड़िए, जिससे कि जीवन सफल हो, क्योंकि ये लोग दिन पर दिन संविधान के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि तुम साहब बन गए हो, ये साहब साहब हो गए हैं, तुम बच्चे लोग पढ़ने का अवसर मिल रहा है, कॉलेजेस बंद है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो सारी बंद ही चल रही है ना, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कोरोना नहीं फैल रहा है लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ अभी तक नहीं खुल पाई हैं जिस भी कारण से, तो शिक्षा को ख़त्म करने की भी जो साजिश चल रही है वो भारत के संविधान के ऊपर एक तरीके से एक बड़ा अटैक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो आने वाला इलेक्शन है ये एक बहुत एक जो है एक मील का पत्थर साबित होगा विचारधारा को स्थापित करने में, और जो आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब का जो योगदान है या बाबा साहब